Hello children, standard first. Today I am going to teach you the story The Giant Mouse. Giant Mouse यानी एक बड़े से giant mouse की कहानी है. आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. वैसे भी आपने टीवी पे देखा होगा टॉम एंड जेरी का, वो भी बहुत बेस्ट कार्टून है. इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट और बच्चों का भी बहुत फेवरेट कार्टून है ये. और ये बहुत पुराना बहुत ही अच्छा कार्टून है. अभी जब कार्टून देखती हूँ ना तो आप खुद एंजॉय करती हूँ कि कितना वो लोग कितना डरते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, पर फिर एक हो जाते हैं, फिर लड़ते झगड़ते हैं, फिर जब चोट पहुँचते हैं तो वापस फ्रेंडली हो जाते हैं. आज मैं आपको ये फिर से एक है ना जायंट माउस की स्टोरी सुनाऊंगी. इसमें दिया है पिक्चर्स के साथ, आपको बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा. जायंट माउस में यानी ये जायंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा सा भयानक सा जो देखने में बहुत ही डरावना लगे और आप देखो तो डर जाओ. तो एक बार क्या होता है कि एक घर होता है, वहाँ पर उसका जो घर का मालिक होता है उसका बहुत बड़ा घर होता है और उसके घर में बहुत सारे एक जगह उसका गोदाम होता है जहाँ पे उसने बहुत सारा अनाज बनाने दाल चावल ड्राई फ्रूट्स बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए उसे भर के रखे होते हैं. तो आपने नोट किया होगा कि आपके घर के एरिया में भी जहाँ पे शॉप होती है तो शॉप में अक्सर वहाँ पर ये बहुत सारे चूहे होते हैं. तो यहाँ पे इस मालिक के यहाँ पे एक चूहा था, तो वो चूहा उस घर में रहता था. तो वहाँ पर एक बार क्या होता है कि टेबल के नीचे एक चीज़ का टुकड़ा पड़ा था. तो माउस ने देखा कि अरे वाह ये तो चीज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है. तो माउस चीज़ को देखिए पागल हो जाता है. आप ये सोचोगे चीज़ क्या होता है, अगर आप मॉल आप शॉप पर जाते हो तो आप दो चीज़ का जब आप बेकरी में जाते हो तो आप ब्रेड लेते हो तो बटर लेते हो, लेकिन बहुत बार आप जब आप चीज़ लेते हो तो चीज़ क्या होता है उसको ब्रेड वो ग्रेट से ग्रेटर से या उसको ग्रेट करते हो और उसको ना पिज़्ज़ा ब्रेड पर डाल के खाते हो, क्योंकि पिज़्ज़ा में स्पेशली चीज़ डाला जाता है. तो ये माउस को ना चीज़ बहुत पसंद होता है, ये बात सच है. तो चीज़ का जब टुकड़ा देखता है तो उसको खाने की कोशिश करता है, वो उसको उठा लेता है. तो वो सोचता है मैं इसको पूरा खा जाऊँ मुझे मिला है. तो वो खाने की कोशिश करता है और खा के ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा टुकड़ा उसके हाथ में बच जाता है. तो उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि जब वो खा रहा होता है उसी टाइम पर वहाँ पर एक चूहा आ जाता है. तो चूहा आके क्या करता है, सॉरी बिल्ली आ जाती है. और चूहा जो होता है इतना शार्प होता है कि उसकी स्मेल है चूहा कैट की आहट से उसको पता चल जाता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कोई मेरा पीछा कर रहा है. तो जैसे ही माउस ने देखा कि अरे ये तो इतना बड़ा सा कैट है जो मेरे पीछे आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा खा देगा. तो कैट बिगिंस टू चेज द माउस. आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं जगह चूहा घूमता है तो बिल्ली ने अगर देख लिया ना चूहे का तो वो जब तक उसको पकड़ के मार खाने जाएगी ना तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगी. यहाँ पे भी यही होता है, बिल्ली ने देखा कि चूहा तो है मेरा शिकार खा जाओ पर उसके हाथ में चीज़ भी है तो उससे मेरा बहुत मज़ा आ जाएगा, मैं इसको खा के अपना शिकार कर लूँ. तो जैसे चूहा देखता है कि मेरे पीछे जो बिल्ली पड़ी है वो आ रही है तो चूहा अपनी जान बचाकर वो कैसे भी करके भागता है. तो क्या उसको चीज़ का भी कोई ध्यान रहता है, कुछ तो खा के पेट भर जाता है पर बाकी का वो भागता है. और इस तरह से वो भागता है अपनी जान बचा के कि उसको कुछ सूझता नहीं है तो वो टेबल के ऊपर कूद के भाग जाता है. अब जैसे वो टेबल के पास जाता है तो बिल्ली तो चढ़ सकती है टेबल पर, क्योंकि बिल्ली को आपने देखा वो पेड़ों पे झाड़ों पे सब जगह चढ़ जाती है. तो माउस सोचता है मैं क्या करूँ, किस तरह से अपनी जान बचाऊँ कि मैं यहाँ से नौ ग्यारह हो जाऊँ और अपनी जान बचाऊँ, पर कोई रास्ता से सोचता नहीं है. तो इतना माउस घबरा जाता है कि जब वो टेबल पर जाता है तो टेबल के पास वहाँ पर बहुत सारी किताब होती है, किताब तो होती है लेकिन वहाँ पर बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. आपको मैं बता दूँ मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना कुछ इस तरह से राउंड होता है. अगर आपने घर पे देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ऐसा होता है, ऐसा राउंड होता है और इसमें आप अगर आप अपने मॉम को पूछोगे ना तो आपको बताएगी मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह का होता है. और जब आप इस तरह से पकड़ के देखते हो ना तो अगर आप कोई भी लेटर देखोगे तो वो लेटर होता है आपको बहुत बड़ा दिखेगा. बुक में छोटा होगा लिखा होगा पर जब ये ग्लास इस पर रखोगे तो वो लेटर आपको बहुत बड़ा दिखता है. तो माउस क्या करता है, माउस को मैग्नीफाइंग दिखता है तो वो जैसे माउस क्या होता है अचानक से मैग्नीफाइंग ग्लास से पीछे आ जाता है और बिल्ली का पाँव मैग्नीफाइंग ग्लास से पड़ता है. तो बिल्ली को चूहा उसमें माउस यार बहुत बड़ा दिखता है तो बिल्ली दिख के डर जाती है कि ये तो लगता है बहुत जादुई चूहा है जिसके पास इतनी ताकत है कि ये इतना बड़ा हो गया और ये तो मुझसे भी बड़ा और बड़ा भयंकर होता है. उसके दांत कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसके विस्कर्स माउस के विस्कर यानी आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कैट है माउस है उनकी मूंछें होती बाल होती हैं तो उसको विस्कर्स बोलते हैं. तो जब बिल्ली डरावना रूप चूहे का देखती है मैग्नीफाइंग ग्लास इतना बड़ा चूहा आ गया तो वह डर जाती है और वो डर के मारे उछल के उल्टा टेबल पर से गिर जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है. और फिर
चूहा सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उतना समझ नहीं पाता, वो बेचारा अपनी जान बचा के भाग जाता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आई जस्ट गोइंग टू शो यू दिस बुक ताकि आपको ये पिक्चर दिख जाए तो आपको बहुत मजा आएगा, ताकि आप अपने बुक में खोल के पढ़ सकते हो। देखो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये माउस जो है ये चीज़ खा रहा है, ओके, और उसके पीछे यहाँ पे ये कैट आई उसको खाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा अपनी जान बचाने के लिए, ये देखो भागा, तो ये टेबल पे जा रहा है, और आपको यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, तो पीछे पीछे कैट भी उसके आ रही है, ओके। अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि बिल्ली पेड़ पे, झाड़ पे और किसी के घर में कहीं भी चढ़ सकती है, वो बहुत एक्टिव होती है। तो वो देखो टेबल पर चढ़ के आती है और मैग्नीफाइंग से ग्लास से देखो आपको चूहा कितना बड़ा दिख रहा है, तो वो डर जाता है और वो अपनी जान बचा गिर जाता है देखो, और इस तरह से वो वहाँ से भाग जाता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी छोटी सी, और आपको पहले ये हार्डवर्क कुछ दिखे ये मैं आपको रीड कर देती हूँ। देखो द जायंट माउस, सी ये कैट आपको सबको पता है बिल्ली, एम ओ यू एस माउस चूहा, एस ए वाई ई सेम सेम यानी बोलना, जी आई एन टी जायंट, जायंट मैंने बहुत बड़ा सा ख्याल रखा, एम ए जी एन आई एफ आई एन जी मैग्नीफाइंग, जी एन टी डबल एस ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास ये होता है जो आपसे दुकान में मिलता है और ये आपके घर पे होता ही है, आपके पापा मम्मी को पूछोगे ये ग्लास की तरह होता है, यहाँ पे प्लास्टिक की फ्रेम होती है जिसको बच्चे पकड़ोगे, जैसे अभी मैंने ये लिखा है वर्ड तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास आप इस पर रखोगे तो ये वर्ड आपको इतना बड़ा दिखेगा, ओके। तो आपका होमवर्क रहेगा ये पिक्चर को देखना, स्टोरी तो मैंने आपको समझा दी अच्छे से, होप सो आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हार्डवर्क को रीड कर लेना, अभी पिक्चर को देखना और इसको अच्छे से समझना, एंड यू विल लव टू एंजॉय दिस स्टोरी। सो प्लीज बिफोर गोइंग जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस हार्डवर्क एंड ऑन, लुक योर क्लासेस प्रॉपरली एंड रीड दिस हार्डवर्क प्रॉपरली। थैंक यू।